बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी व्यूअर्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और जी जिस तरह जी आपको पता है कि पाकिस्तान में जी बहुत ज़्यादा सर्दी है, और पहले से भी ज़्यादा, दिन ब दिन ना पहले से भी ज़्यादा हो गई है सर्दी। और जी काफ़ी दिन हो गए थे जी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो उसकी वजह से जी एक तो मेरी तबीयत भी आपको पता है कि काफ़ी ख़राब रही, मुझे बुखार था। तो जी फिर आज जी मैंने कहा कि आज तो कपड़े धोने ही धोने हैं, चाहे बारिश हो, चाहे हवा चले, चाहे धूप निकल आए। क्योंकि कोई ना तो कोई बच्चों के पहनने वाला कपड़ा था और ना ही मेरे जी पहनने वाला, तो जी मैंने फिर मशीन लगा के जी कपड़े धोए हैं और आपको जी दिखा। तो जी व्यूअर्स जी आप मेरे पीछे जी ये देखिए, तारे जी बिल्कुल भर गई हैं कपड़े धो धो के जी। और अम्मी का जी अल्लाह भला करे कि अम्मी जी मेरे साथ अम्मी ने जी धुलाए हैं, क्योंकि आज सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा धूप तो निकली नहीं है। तो फिर भी मैंने जी खुशक की हैं कपड़े सुखाने वाली मशीन पे, ये देखें। और तकरीबन सब कपड़े जी खुशक हो चुके हैं, और थोड़ी देर तक जी इनको आप उतारते हैं। और जी जो है जी इधर देखें कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ये देखें, ये मेरे पीछे आप जी आप देख रहे हैं कि जिस जगह पे खरगोश रखी है उस जगह पर अभी भी वो जगह खुशक नहीं हुई। अब जी चलते हैं कमरे में, चल के जी थोड़ी जी सेटिंग कमरे की करने वाली है वो जी करते हैं। सबसे पहले जी जलाते हैं जी लाइट, क्योंकि लाइट डालने रही है दूसरे वाले जी। बस जी मैं जी अब आ गई जी कमरे में, और जी मैं आज जी करने लगी हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं कि मुंह धोने को भी दिल नहीं करता। तो मैंने कहा जी चलो थोड़ा सा ना अपने चेहरे की हालत भी बना लें, और सारा फेशियल तो मैंने करना नहीं है, क्योंकि ना सारा फेशियल करते एक तो देर लग जाती है, दूसरे नंबर पर जी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और जी मैंने जी सिर्फ ये करना है स्क्रब, आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये जी डर्माकोल का जी, ये देखें डर्माकोल का जी स्क्रब है, और सिर्फ यही करना है। और बाहर जी देखते हैं कि मुर्गियों को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं। सबसे पहले जी मैं बाहर चल के जी देखती हूँ मुर्गियों को, फिर कुछ करती हूँ। और मुर्गियों को पता नहीं क्या है, पता नहीं इन्होंने बिल्ली तो नहीं देख ली, क्योंकि पहले भी एक बिल्ली आई और आके जी खरगोश है। तो जी भी बिल्ली तो बाहर नहीं है। और जी अब मैं चलती हूँ जी रूम में, और चल के जी मैं करती हूँ जी स्क्रब, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कैसे करती हूँ। तो जी अगर घर में जी आज कोई भी नहीं है, तो कैमरा पकड़ने वाला भी कोई नहीं था, तो जी मैंने कहा जी आज खुद ही मैं लगा लूँ बना लूँ वीडियो। और जी पानी जी ये देखे मैं ले आई हूँ, ये स्पंज भी ले आई हूँ, जिससे जिससे चेहरा साफ करना है। और अब जी करते हैं शुरू, और सिर्फ मैंने स्क्रब करना है पूरा जो फेशियल होता है उसमें जी काफ़ी फेशियल होते हैं, लेकिन काफ़ी देर लग जानी है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जानी है। तो मैंने जी सिर्फ थोड़ा सा चेहरा साफ करना है, ताकि मैं धोती तो जल्दी मुँह है नहीं, सिर्फ एक बार दिन में जी मैंने धोना होता है मुँह, बस सुबह टाइम जब उठती हूँ फिर नहीं मैंने जी मुँह को धोना, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जी बार ये देखें जी मैंने स्क्रब जी लगा ली है, और अब जी पानी लगाती हूँ। और ऐसे जो स्क्रब होता है उनको, उसको जी आपने हल्के हाथों से जी चेहरे पे करना मसाज, सख्त हाथ नहीं आपने चेहरे पे लगाने, क्योंकि स्क्रब होता है वो दानेदार होता है और जिल को बहुत जल्दी साफ कर देता है। बाकी क्लींजर वगैरह जी वो आप अपने जिस तरह आपका क्लाइंट जी जितने आपके हाथों का वो सह सके उस तरह आपने करना है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करना कि आप जी स्क्रब करें तो उसका सारा जी जिल्दी है जी वो सारी ख़राब हो जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मेहनत हाथों की होती है, बाकी रिजल्ट फिशल जो भी हो उसका रिजल्ट आपने जी निकालना होता है। बाकी अच्छी क्वालिटी का फिशल अगर आप लेंगे तो वो सबसे बेहतर है। ये देखें, बाकी किसी टाइम मैं फेशियल की जी वीडियो अपलोड करूँगी, थ्रेडिंग की भी करनी है। तो वो दरअसल मामला ये होता है कि जी जो क्लाइंट आते हैं जी वो वीडियो काम तो करवा जाते हैं लेकिन वीडियो नहीं बनवाने देते, तो मसला ये होता है। और किसी दिन जी अम्मी का फेशियल करूँगी आपके सामने,
या सना आई तो सना की थ्रेडिंग वगैरह जो वो करवाती है मुझसे, प्लकिंग वगैरह तो फिर जी करूँगी। तो जी बस स्क्रब जी मैंने कर लिया और आप जी करते हैं चेहरे को अच्छी तरह साफ, और आपको जी दिखाती हूँ कि कितनी डस्ट है जी वो देखे मेरे चेहरे पे से निकल। फेस वॉश जी मैं करती तो है, मुंह भी धोती हूँ, लेकिन ना वो जो मैल होती है ना वो जल्दी से नहीं जी नहीं चेहरे से उतरती। और जी आपको दिखाती हूँ ये देखें, ये वाली साइड देखें कितनी साफ है, और ये देखें ये, और ये है कि अब तकरीबन स्क्रब है जी वो आपने ज़्यादा देर नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। और जो क्लींजर वगैरह होता है और बाकी जो स्टेप होते हैं फेशियल के वो जी आप कर सकते हैं तकरीबन 5 मिनट से लेकर 7-8 मिनट तक, उस उनका कोई नहीं, वो ज़्यादा देर आप करें, लेकिन जो स्क्रब की मियाद है जी वो आपने के देर है जी वो आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट करना है, स्क्रब ज़्यादा देर नहीं करना। और अब जी लगाती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ ये मास्क, ये जी डर्माकोस का मास्क है, नज़र भी आ रहा है कि नहीं ये देखें। और जी स्क्रब जी मैं वैसे अक्सर लगा लेती हूँ, जो ये चेहरे के फेशियल वगैरह जब हम करते हैं ना ये चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं, तो ये स्क्रब करने से जी वो बिल्कुल अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं। मैं लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर जी ये देखें मास्क जी लग चुका है ये देखें, और अब जी खुशक हो जाता है चेहरा तो फिर जी उतारते हैं। और जी शरैन भी आ गया, शरैन इधर आओ, हाय करो व्यूअर का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, आप भी ठीक हो? कर मैं भी ठीक हूँ। और आज के लोग में आप देख ही रहे मम्मा क्या कर रही है। तो काफ़ी जी व्यूवर्स कमेंट्स करके पूछते हैं जी ज़्यादातर वीडियो कौन बनाता है। जी ज़्यादातर जी वीडियो शरैन ही बनाता है क्योंकि अंसर गार नहीं होता, और आज की वीडियो जी मैंने खुद ही बनाई है। शरैन जी आप देख रहे हैं अभी अभी आए जी व्यूवर जी, ये देखिए जी मैं मास्क उतार रही हूँ, मैंने कहा जी आपको दिखा दूँ कैसे उतारते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से जो आपने उतारना है क्योंकि ये बहुत ना खुशक होता है। और ये देखें ज़्यादा ज़ोर से नहीं उतारना, स्पंज को गीला करके और ऐसे ऐसे हल्के हाथों से आपने उतारना है। दो तरीके इसके उतारने के, लेकिन मैं इस तरीके से उतारती हूँ ये देखें। बस जी ये देखे जी माशाल्लाह जी मेरा चेहरा कितना बिल्कुल नरम और मुलायम हो गया है। तो जी बस उम्मीद भी करती हूँ कि आपको जी मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जी जल्दी से जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर मेरे चैनल पे आप जी नए हैं, और अगर जी पुराने हैं तो फिर जल्दी से लाइक कर दें, नए हैं तो लाइक भी कर दें सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरी वीडियो को जी शेयर भी करें दोस्तों के साथ। इसी के साथ जी आप अपनी होश वगैरह को जी इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, दुआओं में लाजमी याद रखना, अल्लाह हाफिज। और ये देखिए जी इन दोनों भाइयों के काम आपको पहले दिखा दें, ये देखिए इनकी अब अकल काम नहीं कर रही कि बड़ा दरवाज़ा खोल के निकाल लेके आओ जी, ये लेके आए जी चारा मुर्गियों के लिए और खरगोशों के लिए, ये देखें अंसर साइकिल पर लेके आए, और इनके काम देख लें क्योंकि अंसर से जी ये इतना ज़्यादा वजन नहीं है उठाया नहीं गया, ये आके ले आता फिर 2 दिन निकल जाते हैं। अंसर इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? और जी ये भी मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है शुजैन, क्योंकि काफ़ी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। और अंसर की माँ शाले की जी ये देखें आँखें देखें कितनी खतरनाक है, अल्लाह हाफिज। और जी शुजैन की ये देखे माशाल्लाह, शुजैन का ना नया नक्श बहुत प्यारे हैं, ये देखे अंसर की आंखें प्यारी हैं, शुजैन के नया नक्श प्यारे हैं, और माँ के लिए सारे बेटे प्यारे होते हैं।